हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे जो प्लांट्स हैं उनकी हेल्थ का राज एक ही है जो मैं आपके साथ हर वीडियो में मेंशन करती हूँ और शेयर भी करती रहती हूँ कि मैं जो कंपोस्ट बनाती हूँ, जो मैं खाती हूँ वही ऑलमोस्ट मेरे प्लांट्स खाते हैं। रॉ मटेरियल में पका हुआ खाना नहीं देती, जो भी कच्चा मतलब छिलके उतरते हैं गार्डन का, जो वेस्ट होता है, पत्तियाँ होती हैं, वो सब मैं कंपोस्ट बनाकर अपने प्लांट्स को फीड कराती हूँ। मेरे पास रेगुलर पर्सनल मैसेज आ रहे हैं कि कंपोस्ट बिन में पानी ना जाए या कंपोस्ट बिन में जिनके पानी चला गया है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको कैसे मैनेज करें। तो मैं अभी जस्ट, क्योंकि मैं भी कंपोस्टिंग करती हूँ आपको पता है रेगुलर बेसिस पे, तो मैं क्या सावधानियाँ बरतूँगी आने वाले सीज़न में जिससे कि बारिश के पानी से कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा बहुत जाता है तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सेस में पानी भर जाता है तो बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं कंपोस्ट के अंदर, कंपोस्ट बिन के अंदर। वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि क्या आपको सावधानियाँ रखनी है। देखिए, जैसे कि आपको पता है मैं कंपोस्ट मटके में भी बनाती हूँ, बकेट में भी बनाती हूँ, और मेरे ये जो पॉली बैग्स होते हैं इनमें भी मैं भर के रख देती हूँ। तो बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो भी पील ले रहे हैं, है ना, जैसे सपोज़ करिए ये देखिए मैंने छोटा छोटा चॉप किया हुआ है, और ये भी देखिए ऑलमोस्ट सारा चॉप ही है, ये चाय की पत्ती है और ये छिलके वगैरह हैं। आप जब भी इनको कंपोस्ट बिन में डालेंगे तो देखिए मैं दो मेथड, मैंने जितने भी मेथड मैं अप्लाई करती हूँ, मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से मैंने बनाकर देखा है, सब में कंपोस्ट बहुत अच्छा बनता है। तो मैं क्या करती हूँ, देखिए जैसे एक तो स्टेप होता है कि लेयर बाई लेयर आप बनाते जाएँ, और उसके बाद में फिर हर 7 दिन में उसको ऊपर नीचे कर दें अपने कंपोस्ट को, और वो तैयार हो जाता है। मैं जो पॉली बैग्स में करती हूँ, तो देखिए आपने देखा ही होगा कि मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर किया था कि मैं जितना भी ये कंपोस्ट है मेरा, इसके अंदर मैं खूब सारी ड्राई लीव्स और मिट्टी मिला देती हूँ, और मिट्टी मिलाने के बाद कंपोस्ट बिन में या पॉली बैग में भर देती हूँ। अभी आपने क्या सावधानियाँ बरतनी हैं, एक तो आपने अपने पास सॉइल, सूखी हुई सॉइल एक किसी भी पॉली बैग में अच्छे से साइड में रखनी है कि उसमें पानी ना जाए, क्योंकि अगर मिट्टी में भी पानी चला गया, ऑलरेडी आपके पील्स में पानी है ही, पत्तियाँ भी अगर आपकी गीली हैं, तो कंपोस्ट बनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, कीड़े पड़ जाते हैं, मैगेट्स आ जाते हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने, और बनाने का तरीका कोई सा भी अपना सकते हैं। देखिए मैंने आपके साथ इतने सारे मेथड अप्लाई किए हैं, आप पॉली बैग में बना लीजिए, आप मटके में बना लीजिए, आप बकेट में बना लीजिए। अभी जैसे जैसे मौसम ठंडा आएगा तो आप डायरेक्ट भी चॉप कर करके अपने प्लांट्स की साइड में डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने जयपुर वाले वीडियो में शेयर किया था, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मौसम थोड़ा ठंडा आने दीजिएगा, क्योंकि अभी मेरी सॉइल में तो नहीं है वो प्रॉब्लम, लेकिन काफ़ी सारे लोगों की सॉइल में वो फंगस वाला प्रॉब्लम आ जाता है। तो देखिए आपको ड्राई लीव्स रखनी है, थोड़ी सी ड्राई सॉइल रखनी है अपने पास में, और पील्स तो आपके पास ऑलरेडी होंगे, चाहो तो इनको सबको मिक्स करके एक साथ भर दीजिए, और चाहो तो अलग अलग लेयरिंग कर दीजिए, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे करिए, विदाउट मतलब बहुत ज़्यादा पेन मत दीजिए कि कंपोस्टिंग करना है, कीड़े पड़ गए। और हाँ, मैगेट्स आएंगे इन दिनों में, क्योंकि हम जिस तरीके का पील इस टाइम पर डालते हैं, मैंगोज़ या बहुत ज़्यादा लिक्विडी होता है तो उसमें मैगेट्स आ जाते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप थोड़ा सा ड्राई मैटर मिक्स करिए और भर के साइड में रख दीजिए, जैसे ही आपका कंपोस्ट बनेगा, तैयार होगा, सारे कीड़े मकोड़े गायब हो जाएंगे। क्योंकि देखिए हम दो तरीके से ये बनाते हैं खाद, एक तो फंगस से बनता है और एक बैक्टीरिया से बनता है। तो जो ये मटके और इनमें जो हम ये मिक्स करके बनाते हैं ना, ये फंगस से नहीं, ये फंगस और बैक्टीरिया दोनों से बनता है, और जो हम पत्तियों की खाद बनाते हैं खाली पानी डालकर, वो फंगस से बनता है। तो डरने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं, स्मेल आती है, तो कहीं ना कहीं उसमें एयरेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें प्रॉपर एयरेशन नहीं हो रही है। बस ये ध्यान रखना है, उसको घुमाते रहना है हर 15 दिन में, और मिट्टी के मटके में तो देखिए कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। और इन दिनों में आप अगर मैंगो खा रहे हैं तो इनकी गुठलियों को अच्छे से वॉश करके आप कहीं भी डाल के आ सकते हैं, जैसे कि वहाँ पर नया पेड़ बारिश के टाइम पर उगाएगा, या फिर आप बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि सीड कलेक्ट करती हैं, आप उनको भी वॉश करके सुखाकर अच्छे से दे सकते हैं, तो आप कलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप अपने कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं। क्योंकि गुठली भी जब डिकम्पोज्ड होती है तो इसके अंदर से भी जो न्यूट्रिशन निकलता है वो भी प्लांट्स के लिए बहुत हेल्दी होता है, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो ये देखिए कर दिया। और एक चीज़ और जो आपने करनी है, जैसे अभी ये देखिए फुल पूरा फुल फिल हो गया है, इसको मैं अच्छे से कपड़े से बांधूंगी, और इसको मैं किसी ऐसे ढक्कन से या किसी भी प्लास्टिक से कवर करके रखूंगी इसके मुंह को, कि इसके अंदर पानी ना जाए, क्योंकि देखिए एरिएशन का काम तो मिट्टी का मटका है, चारों तरफ से हो जाएगा। और पॉली बैग को भी मैं ऊपर से ढक के रखूंगी अच्छे से, किसी
रखें बकेट के ढक्कन से, क्योंकि इसके अंदर भी होल्स हैं तो एयरेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉपर एयरेशन आपकी खाद में हो रही है, कंपोस्ट बिन में हो रही है, तो कोई भी स्मेल नहीं होती है, ना ही कोई कीड़े पड़ते हैं, ये चीज़ बस ध्यान रख लीजिएगा आप। और हाँ, डीमोटिवेट नहीं होना है। कई बार कुछ लोग सफल नहीं होते हैं बनाने में, तो वो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि अरे हमसे तो बन ही नहीं रहा, हम क्यों करें। तो आपने बस थोड़ा सा एक दो बार कोशिश करनी है और आई एम 100% श्योर कि आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, क्योंकि मेरे पास पर्सनल पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, वीडियोज़ आते हैं जिनका बहुत अच्छा कंपोस्ट बनता है एंड वो लोग अभी बहुत खुश हैं क्योंकि उनको तरीका आ गया है। तो आप कोशिश करते रहिएगा। एंड लास्ट में यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये जो हम फेंक रहे हैं डस्टबिन में या गार्बेज जो भी कलेक्ट करने आते हैं उनको देते हैं, वहाँ पर जाकर ये सिर्फ सड़ता है, लेकिन ये हम जब खाद बना के अपने प्लांट्स को देते हैं तो अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं, वो मैं आपके साथ रेगुलर शेयर करती रहती हूँ। एनवायरनमेंट भी सेव होता है, प्रकृति की भी रक्षा होती है, और हमने जो धरती से लिया है वही हम वापस धरती को दे देते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर कंटिन्यू करिएगा। एंड बारिश में बस ये थोड़े से मैंने टिप्स दे दिए हैं आपको, ड्राई लीव्स रखनी है अपने पास में, ड्राई सॉइल रखनी है थोड़ी सी, और जो भी आपके कंपोस्ट बिन है उनको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से ढक के रखना है जिससे कि उनके अंदर बारिश का पानी ना जाए। बस ये थोड़ी सी ये चीज़ें हैं जो ध्यान रख लेंगे तो आपको कंपोस्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो मैंने क्लियर कर दी होंगी। कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं आंसर दे दूँगी। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।